नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्य नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे बात करने वाले नोरसेट 5 का यहाँ पे एडमिट कार्ड है, उसकी साइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट यहाँ पे एडमिट कार्ड अब रिलीज हो चुका है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड की जो साइट है वो अभी चलना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे आपको इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाली है, यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड्स भूल जाते हो तो आपको क्या क्या कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी मेन वेबसाइट है एम्स एग्जाम, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसमें क्लिक करना है। देन आपको जो रिक्रूटमेंट का जो टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जो इंटरफेस रहने वाला है, इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे आपको इसमें क्लिक कर लेना है। देन आपको जो फर्स्ट जो ऑप्शन है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 5, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। देन आपके पास में ये इंटरफेस रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट 5, जिसमें यहाँ पे ये लॉगिन पेज रहने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एप्लीकेशंस लॉगिन जो डिटेल है, कैंडिडेट आईडी, देन पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। देन इसके बाद में एंटर जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है, इसको एंटर कर लेना है। यदि आप अपने पासवर्ड्स यहाँ पे भूल चुके हो तो आपको फॉरगेट योर पासवर्ड्स या लॉगिन डिटेल में क्लिक करना है। फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल में क्लिक करने के बाद में जो इसका इंटरफेस है, जो भी उसमें वहाँ पे मांगा गया है, वो आपको मेंशन करके आप वहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड और एंटर कैप्चा करके इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। देन लॉगिन करने के बाद में आपके पास में ये इंटरफेस रहने वाला है, जिसमें आपका जो माई पेज है यहाँ पे ओपन हो चुका है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल, मेक पेमेंट, सिटी चॉइस, अपलोड इमेज, सब कुछ कंप्लीट है। देन आपको धीरे धीरे इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, जहाँ पे आप देख सकते हो जनरल जो भी लिंक दिए गए हैं, होम, चेंज पासवर्ड, नोटिफिकेशंस और एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। देन इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस, जो भी एग्जाम देने से पहले आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको एक बार रीड कर लेना है। फ्रेंड्स, ये इसके इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको याद रखना है। आप देख सकते हो एडमिट कार्ड का जो भी यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ इसमें आपको देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस और डेट और टाइम, जो आपका प्रिंटिंग डेट और टाइम है, ये आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। यदि ये आपके एडमिट कार्ड के अंदर नहीं है तो आपको दोबारा एडमिट कार्ड दोबारा निकलवाना है, क्योंकि ये वैलिड वहाँ पर नहीं माना जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वैलिड के रूप में वहाँ पर आपको लेके जाना है, आधार कार्ड इन द ओरिजिनल हो वो ले जाके सकते हो, ई आधार ओरिजिनल प्रिंट आउट विथ क्लियर इमेज ऑफ द पेस, पासपोर्ट ओरिजिनल, देन वोटर आईडी, देन पैन कार्ड विथ फोटो इन द ओरिजिनल, ड्राइविंग लाइसेंस इन द ओरिजिनल, ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए लेके जा सकते हो, जैसा कि इसमें सभी का यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया है। नेक्स्ट बात करें प्रोहिबिटेड आइटम कौन कौन से रहने वाले हैं, ऑल इलेक्ट्रिक आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर, ये आपको वहाँ पे प्रोहिबिट रखा गया है। एनी आइटम केपेबल ऑफ द ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ये सब वहाँ पे इनहिबिटेड है। देन वॉच, क्लॉक्स, सब यहाँ पे इनहिबिटेड। ऑर्नामेंट्स, रिस्ट बैंड, गोगल और हेड एयर, स्कार्फ, जैकेट्स, जो भी गोगल्स, यदि आप चश्मा लगाते हो तो आप तो वो कंटिन्यू लगाते हो तो वो नंबर की चश्मा है तो आप उसको लेके जा सकते हो, बट जो अदर जो फैशन के रूप में लगाते हैं वो वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। पेन, पेंसिल, पेपर, बुक्स, कैलकुलेटर, ये सभी आपका प्रोहिबिटेड रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे आपको पेन, पेंसिल, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। शूज, फुटवेयर विथ थिक सोल, ये आपको वहाँ पे प्रोहिबिटेड रखा गया है। देन लार्ज बॉटल, लार्ज बटन, ओके, लार्ज बटन्स, ये भी प्रोहिबिटेड रखा गया है। क्लोथिंग नोट्स अप्रोप्रिएट फॉर द, जो भी दिया गया है वेदर के हिसाब से, कॉपिंग ऑफ द क्वेश्चंस, ये आपको वहाँ प्रोहिबिटेड है। टॉकिंग कन्वर्सेशन जो भी रहने वाला वो भी आपका प्रोहिबिटेड रखा गया है। ड्रेसिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आप देख सकते हो ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस, के हिसाब से आप पहन सकते हो। एग्जाम ड्यूरिंग समर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वियर जैकेट और कोट, और लार्ज बटन और ड्रेस आर नॉट परमिटेड। देन शूज, एनी फुटवेयर विथ थिक सोल एंड हाई हील्स आर नॉट परमिटेड, ये भी आप वहाँ पे प्रोहिबिटेड रखा गया है। केप, स्कार्फ, जैकेट, गोगल्स, बेल्ट, ये सब वहाँ पे परमिटेड नहीं रखा गया है, तो ये आप इसमें एक बार रीड कर सकते हो। व्हाट शुड यू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर, क्या क्या आप ले जा सकते हो। यू शुड कैरी विथ यू ओनली टू आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड विथ डिक्लेरेशंस मेंशन इन द ए, ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ ऑफ द
जो भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ पे लेके जा सकते। दो ही ऑप्शंस आपके साथ में है, एक तो प्रिंट आउट आपके जो एडमिट कार्ड का और एक आपका जो वैलिड आईडी जो आपके पास में रहने वाला है, वो दोनों पेज आप यहाँ से लेके जा सकते हो। देन एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप रीड कर सकते हो। और रब कार्य के लिए आपको वहाँ पे जो बैक पेज है जैसा कि दे रखा है, यूज़ द बैक पेज ऑफ द एडमिट कार्ड रफ वर्क नोट रफ सीट विल बी प्रोवाइडेड। जो बैक पेज जो रहने वाला है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड लेके जाओगे तो उसके बैक पेज जो आपका रब कार्य के लिए आप यूज कर सकते हो। और इट इज़ मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड साइन वेदर द रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी साइन है इसका रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ पे कर लेना है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस की अगर बात करें तो ड्यूरेशंस आपका 90 मिनट का रहने वाला है, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आपका 100 है, और टाइप ऑफ द क्वेश्चंस बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले, जिसमें सिंगल करेक्ट चॉइस या मल्टीपल करेक्ट चॉइस रहने वाले हैं, और करेक्ट आंसर्स 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है, इनकरेक्ट का आपका 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग है, और अनआंसर्ड या मार्क्ड फॉर रिव्यू उसका 0 आपको नंबर मिलने वाला है। लीगल एक्शंस हो सकता है यदि ये पॉइंट आपने वहाँ पे अप्लाई किए तो, ओके। तो ये भी आपको एक बार रीड कर लेना है, पूरा इसको रीड करके एग्जाम पे जाना है। तो इस प्रकार से कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या कंडीशंस है, सारा मैंने आपको रीड करके बता दिया कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।